हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर्स बॉन्ड। तो आज की इस वीडियो में हम अपना एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। इससे पहले भी हमने डा की कई वीडियोस डाल रखी हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। तो सबसे पहले इसमें हमें दो सीक्वेंसेस गिवन दिए होंगे, हमें उसका मैक्सिमम लेंथ का सब सीक्वेंस निकालना है। तो सबसे पहले सब सीक्वेंस ऑफ अ गिवन सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सीक्वेंस इन द सेम ऑर्डर। हमें एक सीक्वेंस गिवन दिया होगा। सब सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस के ही एलिमेंट्स हों, मतलब सारे एलिमेंट्स नहीं, सीक्वेंस के ही कुछ एलिमेंट्स हों और उसी ऑर्डर में हो जो कि सीक्वेंस में ऑर्डर है। जैसे अगर हमारे पास ये एक सीक्वेंस है एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, हमारे पास एम एलिमेंट्स हैं, तो जो हमारा सब सीक्वेंस है उसमें हमारे पास इसी के एलिमेंट्स होने चाहिए और सेम ऑर्डर में। जैसे हमारे पास हो सकता है एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव, तो वो हमारे पास होगा एक सब सीक्वेंस जो कि इसी ऑर्डर में होगा। तो LCS में हमें क्या करना है, हमारा एम क्या है, हमें मैक्सिमम लेंथ का कॉमन सब सीक्वेंस निकालना है। यानी हमारे पास जो सीक्वेंसेस गिविन होंगे उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे, तो हमें जो सब सीक्वेंसेस निकालने हैं वो कॉमन, मतलब जो दोनों में कॉमन हो उनमें निकालते हैं, उन दोनों में सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो इस एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास दो सीक्वेंसेस गिवन है एक्स और वाई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी है। टेबल में एक तरफ हमें लिखना है एक्स और दूसरी तरफ हमें लिखना है वाई। इसमें हमें क्या करना है, जितने एलिमेंट्स एक्स और वाई में है उससे एक रो और कॉलम ज़्यादा बनानी है। जैसे अगर हम देखें तो एक्स में हमारे पास है सेवन एलिमेंट्स, तो हमने कितनी रोज बनाई यहाँ पे, एट। इसी तरह वाई पे है हमारे पास सिक्स एलिमेंट्स, तो हमने कितने कॉलम्स बनाए, सेवन। तो इसमें हमें एक कॉलम और रो ज़्यादा बनाना है। तो इससे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करें, हम इसकी एक बार एल्गो देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दो सीक्वेंस दिए होंगे एक्स और वाई। एम में हमें सीक्वेंस, मतलब जो एक्स की लेंथ है वो स्टोर करनी है और एन में जो वाई की लेंथ है वो स्टोर करनी है। अब हमारे पास दो टेबल्स होंगी बी और सी। बी और सी मतलब हम जो टेबल ले रहे हैं, बी जो हम टेबल ले रहे हैं वो इंडिकेट करता है एरोस की डायरेक्शन को, और सी जो हम टेबल ले रहे हैं वो इंडिकेट करता है जो वैल्यू हमारी टेबल में आएंगी। तो ये जब हम क्वेश्चन करेंगे हमें समझ आ जाएगा। अभी ये सिर्फ ये याद रखना है कि बी जो हमारी टेबल है वो एरोस की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा और जो हमारी सी है वो वैल्यूज जो आएंगी टेबल में उसको इंडिकेट करेगा। अब फॉर आई इज इक्वल टू वन टू एम, सबसे पहले एम, यानी एम क्या है, हमारी एक्स की लेंथ, यानी हमारी एक्स एक सीक्वेंस की लेंथ। डू सी ऑफ आई इक्वल टू जीरो, यानी जो मतलब सबसे पहले वाला कॉलम है वन जीरो, आई की वैल्यूज तो चेंज होती रहेंगी, वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो, तो उन सब की वैल्यू हमें जीरो कर देनी है। और इसी तरीके से जो हमारी जे की लेंथ है, मतलब जे में जो हमारी लेंथ होगी वो होगी वाई की, उसमें हमें क्या करना है, सी जीरो जे जीरो। इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो हमारी पहली रो और पहले कॉलम की डायरेक्शन होगी उसमें हमें सबकी वैल्यूज को जीरो कर देना है। तो अगर हम इसमें देखें तो वो कह रहे हैं एक्स की लेंथ जितनी है हमें क्या करना है, सी ऑफ आई जीरो। सी ऑफ आई जीरो मतलब सी ऑफ वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो, जितना भी है हमें सबकी डायरेक्शन को जीरो कर देना है। तो यानी हम सब में लिख देंगे जीरो। इसी तरीके से यहाँ पे भी जीरो लिख देना है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे वो कह रहा है इफ एक्स आई इक्वल टू वाई आई। यहाँ पे जो एक्स आई वाई आई है वो है हमारे सीक्वेंस के एलिमेंट्स, यानी अगर सीक्वेंस के एलिमेंट्स सेम हैं तो हम क्या करेंगे, जो डायगनल वाली वैल्यू है उससे एक वैल्यू प्लस कर देंगे और एरो की डायरेक्शन होगी हमारी डायगनल की तरफ। इसी तरीके से अगर हमारी सीक्वेंस की लेंथ, मतलब हमारे जो सीक्वेंस के एलिमेंट सेम नहीं हैं, तो हम लेफ्ट में देखेंगे या और अपवर्ड देखेंगे। अगर लार्जर वैल्यू हमारी अपवर्ड में हुई तो अपवर्ड वाली वैल्यू लिख के अपवर्ड वाला एरो बना देंगे, अगर लार्जेस्ट वैल्यू हमारी लेफ्ट में हुई तो
तो हम लेफ्ट वाली वैल्यू लिख के लेफ्ट लेफ्ट वाला एरो बना देंगे। तो इसे अब एग्जांपल से समझते हैं। अब ए बी, ये हमारी वैल्यू अनइक्वल है, मतलब ए और बी इक्वल तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो, और यहाँ पे दोनों तरफ वैल्यू इक्वल है तो हम कहीं पे भी एरो लगा सकते हैं, वो हमारी मर्जी, तो हम अपवर्ड लगा देते हैं। अब इसी तरह ए डी, ये भी अनइक्वल है तो फिर से ज़ीरो और अपवर्ड एरो। ए सी, ये भी अनइक्वल है तो ज़ीरो और अपवर्ड एरो। ए और ए, अब ये हमारी वैल्यूज आ गई इक्वल, तो इक्वल में क्या करना था, जब भी हमारे पास इक्वल वैल्यूज आए तो हमें डायगनल वैल्यू देखनी है, डायगनल वैल्यू से एक वैल्यू प्लस कर देनी है यानी कि वन, और एरो हमारा किस तरफ जाएगा, डायगनल की तरफ। फिर ए बी, ए बी हमारी इक्वल नहीं है तो अब हमें देखनी है लेफ्ट वाली वैल्यू लार्जर है अपवर्ड, तो हमारी लेफ्ट वाली वैल्यू लार्जर वन, तो हम ये लिखेंगे और लेफ्ट में अपना एक एरो बना देंगे। अब ए और ए, ये भी इक्वल है तो डायगनल वैल्यू देखेंगे, डायगनल वैल्यू क्या है, जीरो, तो वन को प्लस, मतलब प्लस वन करेंगे और डायगनल की तरफ एरो लगा देंगे। अब सेकंड कॉलम पे आते हैं, सेकंड कॉलम पे आए तो बी और बी सेम है, डायगनल वैल्यू में प्लस वन करेंगे और एरो डायगनल की तरफ लगा देंगे। फिर बी डी अनइक्वल है तो अब अपवर्ड वैल्यू देखेंगे और लेफ्ट वैल्यू देखेंगे, जो वैल्यू लार्जर है वो लिखेंगे और उसी तरफ एरो लगा देंगे। इसी तरीके से बी सी, बी ए, अब इसमें दोनों तरफ वैल्यू इक्वल है तो जब दोनों तरफ वैल्यू इक्वल होती है तो जनरली हम अपवर्ड वाली ही ले लेते हैं, तो अपवर्ड वाली ले ली। फिर बी बी, अब ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल है तो हम डायगनल वैल्यू को देखेंगे, डायगनल क्या है, वन, प्लस वन करेंगे टू और डायगनल की साइड एरो लगा देंगे। फिर बी ए, बी ए में देखेंगे इनमें से कौन सी वैल्यू लार्जर है, हमारी ये वैल्यू लार्जर है तो हम टू लिख के लेफ्ट साइड एरो लगा देंगे। अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड में सी बी अनइक्वल है तो वन अपवर्ड, फिर सी डी दोनों इक्वल हैं तो हम जनरली अपवर्ड ले लेते हैं। सी सी दोनों इक्वल आ गए, अब हम डायगनल वैल्यू में प्लस वन करेंगे और डायगनल की तरफ एरो बना देंगे। सी ए, अब अनइक्वल है तो देखेंगे इनमें से कौन सी लार्जर है, तो टू लार्जर है तो इसकी तरफ अब एरो बना देंगे। अब सी बी दोनों इक्वल है तो अपवर्ड लिख देंगे और सी ए। इसी तरीके से हम सब को फिल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी सारी वैल्यूज को फिल कर लिया है। तो अब हमें इसमें से क्या करना है, लॉन्गेस्ट कॉमन, मतलब लॉन्गेस्ट और कॉमन सब सीक्वेंस निकालना है। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि सब सीक्वेंस की लेंथ कितनी है। तो सब सीक्वेंस की लेंथ वो होगी जो हमारी आखिर पे यहाँ पे वैल्यू होगी, यहाँ पे आखिर पे वैल्यू क्या है, फोर, तो हमारी जो लेंथ होगी सब सीक्वेंस की वो भी होगी फोर। अब शुरुआत कैसे करनी है, शुरुआत हमें ऐसे करनी है, हमें इस लास्ट से चलना है। अब हमें ये तो पता चल गया कि इसकी लेंथ फोर है, अब हम एरो को देखेंगे, एरो किस तरफ है, अपवर्ड, अपवर्ड क्या है हमारा, थ्री। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर लेफ्ट और अपवर्ड एरो आए तो हमें सिर्फ उसके डायरेक्शन में चले जाना है, हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन जहाँ पे हमारे पास डायगनल एरो आ जाए वहाँ की वैल्यू हमें देखनी है और उसको प्रिंट कर देना है, यानी उसको लिख देना है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास अपवर्ड एरो था तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम सीधा इसके डायरेक्शन में ऊपर चले जाएंगे, लेकिन अब हमारे पास डायगनल एरो आ गया, जहाँ पे भी हमारे पास डायगनल एरो आ जाएगा उसके जो, मतलब उसका जो एलिमेंट होगा, उसके जो कॉलम और रो का एलिमेंट होगा वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, ए, तो हम ए लिखेंगे। हम शुरू करेंगे लास्ट से लिखना, मतलब हम सबसे पहले लास्ट वाला एलिमेंट लिखेंगे, फिर उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, तो हमारे पास एक ए एलिमेंट आ गया। फिर हम इसकी डायरेक्शन में चले जाएंगे, हम यहाँ पे गए तो अभी हमारे पास कौन सा एरो, अपवर्ड, फिर हम अपवर्ड गए, अब हमारे पास फिर से डायगनल एरो आ गया, अब डायगनल एरो के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, बी, तो हम बी लिख देंगे। तो एक हमारे पास ये एलिमेंट था, फिर हमारे पास ये एलिमेंट आया, फिर हम इसके डायरेक्शन में चले जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड एरो तो यहाँ चले जाएंगे। अब फिर से हमारे पास डायगनल एरो आ गया, तो डायगनल एरो आ गया तो फिर इसका कॉमन एलिमेंट देखेंगे सी, फिर से इसके डायरेक्शन में चले जाएंगे, फिर यहाँ पे और फिर बी। तो ये हमारा फोर लेंथ का एक कॉमन सबसीक्वेंस आ गया।
लेंथ हमारे पास कितनी थी, 4, और जब हमने फाइंड किया तो भी हमारे पास 4 लेंथ का ही आया। शुरुआत कैसे करनी है, लास्ट वाले से शुरुआत करनी है, एरो अपवर्ड था, जहाँ पे भी एरो अपवर्ड या लेफ्ट आए वहाँ पे सीधा डायरेक्शन में चले जाना है, लेकिन जहाँ पे भी एरो डायगनल की तरफ आपको पॉइंट करता हुआ देखे उसके एलिमेंट को हमें लिख देना है, और पीछे से लिखना है, मतलब आगे से नहीं पीछे से। जैसे सबसे पहले यहाँ पे ए था तो ए, फिर हम यहाँ पे गए मतलब इधर गए और इधर गए तो फिर बी, फिर इधर गए यहाँ पे गए तो सी, और फिर यहाँ पे गए तो बी। तो बी सी बी ए हमारे पास लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस आ गया, जो कि हमें निकालना था, जो कि हमारा मेन मोटिव था। तो हमने इसकी एल्गो तो समझ ही ली थी, साथ साथ अब इसको जो प्रिंट करवाया है हमने उसकी एल्गो को भी देख लेते हैं। अगर आई 0 है और जे 0 है तो रिटर्न कर जाओ, मतलब हमारे पास कुछ है ही नहीं। वरना अगर हमारे पास बी आई जे हमारे पास कौन सी टेबल थी जो एरो की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही थी, बी आई जे हमारे पास डायगनल की तरफ है, तो उस एलिमेंट को प्रिंट कर दो। फिर बी एक्स आई माइनस वन जे माइनस वन, यानी उस डायगनल की डायरेक्शन में चले जाओ, आई माइनस वन जे माइनस वन मतलब डायगनल की डायरेक्शन में चले जाओ। अगर हमारे पास इस साइड वाला एरो है तब अपवर्ड चले जाओ, वरना लेफ्ट वर्ड्स चले जाओ, मतलब ये जो इंडिकेट कर रहा है ये उन्हीं एलिमेंट्स को इंडिकेट कर रहा है। अगर हमारे पास डायगनल है तो उसी एलिमेंट को प्रिंट कर दो, अपवर्ड है तो अपवर्ड चले जाओ, वरना लेफ्ट वर्ड चले जाओ। तो इस तरीके से हमारा कॉमन सबसीक्वेंस निकल जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ mn। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी नई वीडियोस लाते रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।